देखें न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ आगमन। फिरोजाबाद से खबर आ रही है, आज गढ़ी तिवारी चौराहे पर यहां पर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी का विशाल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की अध्यक्षता में किया गया। फिरोजाबाद की टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहां पर फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। पुष्पेंद्र निषाद ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तलवार भेंट की है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या कार्यकर्ता और यहाँ पर युवा वृद्धजीवी शिक्षक और व्यापारी क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा है कि आज़ादी के 70 साल भी वंचित और शोभित की दशा यहां पर बेहद खराब है। सभी सरकारों ने इन लोग के साथ ही शोषण किया है। जो समाज यहां पर आजीविक दल बल में रहने वाला एकजुट होकर एक झंडा और एक नारा और यहां पर नेता एक टोपी अर्थात एकता बल के साथ ही यहां पर आपको बताते चले कि राजनीति की अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन था निषाद पार्टी का। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ निषाद पार्टी के, डॉक्टर संजय कुमार निषाद। मैं इन्हें जागरूक कर रहा था, इन्हें सचेत कर रहा था कि जिनका संविधान में मजबूर आरक्षण है जो अभी तक लागू नहीं हुआ और इस पर बहुजन समाज पार्टी ने जाकर स्टे लिया, मैंने क्षमता के साथ रहा और लागू करा दिया और फिर इसे उसे स्टे कर दिया। मैंने जागरूक करा 2022 में सत्ता की चाबी लेने के लिए कि नीला टोपी वाले जब पंजा टोपी लगा रहे थे तो जीरो थे और जैसे अपनी टोपी लगा लिया तो राजनीति में हीरो हो गए, संविधान में मिले हुए अधिकार के हीरो हो गए। हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है और सबकी संख्या कम है। झौआ भर वाले सत्ता की चाबी लेकर अपने लोगों को शासन सत्ता का लाभ दे रहे हैं। ये झौआ भर रोड पर पौआ का लेवी लगा है, इनसे ही कह रहा हूँ कि निषाद राज के वंशज हो और निषाद राज के किले पर चल के वहाँ अपना देखो, संकल्प लो। मैं अभी 13 तारीख को वहाँ कार्यक्रम किया था, 29 मार्च को फिर निषाद राज जयंती है। मैं उन्हें आमंत्रित करने आया हूँ कि निषाद राज के किले पर चल के अपना स्वाभिमान जगाओ और पौआ का लेवी हटाकर पार्टी का लेवी लगाओ। ये निषाद निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का मानना है कि जिसका दल उसका बल होता है उसकी समस्याओं का हल होता है, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्याओं का हल नहीं, वो निर्बल होते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार व्यापार उद्योग राजनीति में निर्बल हैं, ये सबल तब होंगे जब हिस्सेदारी होगी। चूँकि इसकी चाबी गांव में है, वोट जो है नोट से बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो इसके वोट पर जो भी कब्जा जमा ले रहा है इनका वोट लेके वो हर क्षेत्र में हीरो जा रहा है। इन्हें नौकरी में पैसे में हर जगह जीरो बनाए पड़े हुए हैं। इनका न कोई दरोगा है, न सेक्रेटरी है, न BDO है, न जिला पंचायत है, न जो मंत्री है, न संत्री है, न कोई नहीं है, कोई पावर नहीं इनका। तो पार्टी में कह रहा हूँ कि अब पार्टी खड़ा करो, पावर लो और पावर जब ले लोगे तो तुम्हारे भी अधिकारी कर्मचारी सब क्षेत्रों में होंगे और हर क्षेत्र में होगा। लोकतंत्र का कहना है एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विथ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मैं इन्हीं को कहना है समाज इकट्ठा हो जाओ और राजनीति से ही सारी समस्याओं का समाधान कर लो और सामाजिक संगठनों में जो बटे हो, जिनसे मैं कहने आया था कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। आप सामाजिक संगठन खड़ा करो, किसी को वोट डाल दोगे, वोट लेकर चला जाएगा, फिर आपको दुर्दुरा देगा, बेकार कर देगा। तो मैं इन्हें जगाने आया हूँ और एक भी बात यहाँ से मंच से कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था इनके आरक्षण का, तो मैं कहता हूँ 370 खत्म हो गया, उसी तरीके से हमारा जो बाधा हो उसे खत्म करें और हमारे कोर्ट में जो मायावती ने स्टे लिया है उस पर जवाब दाखिल करें और इनके मझवार का जो आरक्षण कि लेदर मैन को मिलेगा, फिशर मैन को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम मझवार गांव तुरिया खरवार बिलदार खरोट कोली सात नामों से हम हैं। तो चूंकि हमारी सत्ता न होने के नाते, परिभाषित नहीं होने के नाते, हमें मुलायम ने कहा नहीं शामिल करेंगे, ऑलरेडी हम शामिल हैं। मायावती ने कहा ये हिस्सा रहे पिछड़े से आ जाए, ये नहीं भूल गए कि उन जिस तरीके से संविधान में जाटो लिखा हुआ है, लेदर मैन लिखा, उसी तरीके से फिशर मैन हुआ। पहले इनको मझवार का मिलता भी था लेकिन इन्हें गुमराह करके अपने टाइटल में है, इनके उपजातियों को पिछड़ी में डाल दिया। तो इन्हें सचेत कर रहा हूँ कि सारे जितने भी है उपजातियाँ इकट्ठे हो जाओ और एक वोट की शक्ति लाओ और वोट की शक्ति से अपना जितना भी हिस्सा है पहुँचाओगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।